हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदीप बडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज आउट ऑफ ब्लॉग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल नरूज आउट ऑफ ब्लॉग को, साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। ये है दोस्तों ऑल न्यू ब्रेजा 2022 का बेस वेरिएंट यानी LXi, और इसके प्राइसेस आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है, पूरी तरह टेरास्केप यहाँ पे पैकेज किया जा रहा है, जिसकी कॉस्टिंग आपको यहाँ पे पड़ने वाला है दोस्तों 62,000-65,000। चलिए अब बात करते हैं LXi वेरिएंट के डिज़ाइन डायनेमिक्स फ्रंट प्रोफाइल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेडलैम्प यूनिट की। तो यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है जो कि हेलोजन के साथ अवेलेबल कराए गए हैं। टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन दिया गया है। इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प ऑफर नहीं किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। फ्रंट ग्रिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटली रीडिज़ाइन किया गया है, बीच में सुजुकी का लोगो और दो पार्टों में यहाँ पर क्रोम फिनिश दिया गया है, और यहाँ पर सेटिन डार्क यहाँ पर फिनिश दिया गया है। नीचे आप यहां पे फ्रंट और बम्पर गार्ड देख पा रहे हो, सिल्वर गार्निश किया गया है, एजेंट एसेसरी के तौर पे आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहां पे ब्लैक पार्ट आता है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। नीचे नंबर प्लेट की जगह, और यहां पे आपको टॉप इन वेरिएंट में फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। कुछ इस तरह का इसका नीचे स्किड प्लेट, ये भी आप टेरास्केप एडिशन में करवा सकते हैं, कुछ इस तरह का मॉडिफिकेशन। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे जो ब्रॉड क्लैडिंग है ये ब्लैक पार्ट में आता है टोटली LXi वेरिएंट में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। लेकिन जो यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट जिसपे माउंटेन का टेक्सचर दिया गया है, ये एजेंट एसेसरी के तौर पे आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, जो कि यहाँ पे फुल काम चल रहा है दोस्तों। और इसके साइड प्रोफाइल में आपको 16 इंच के स्टील व्हील दिया गया, व्हील कवर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है एजेंट एसेसरी के तौर पर, 215/60R16। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सारे एजन एसेसरी के तौर पे माउंटेन का टेक्सचर, कुछ इस तरह का एसयूवी स्टांस को बढ़ा देते हैं। ORBM की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर ORBM LED टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में दिया गया, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल इसमें नहीं आता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे वाइपर, फ्रंट वाइपर और रूफ रेल इस वेरिएंट में नहीं आता है, एजन एसेसरी के तौर पर आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। वहीं इसके बी पिलर सी पिलर पूरी तरह ब्लैक्ड आउट किया गया है, और सबसे बड़ी बात इसका जो क्वार्टर ग्लास है अब की बार ये बहुत ही बड़ा कर दिया गया है, जो कि इसके एसयूवी स्टांस को और भी बढ़ा दे रहे हैं दोस्तों। ये जो क्रोम का पार्ट है यहाँ पे टोटली ये एजेंट एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। जहाँ तक ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक अवेलेबल कराया गया है। वहीं सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट, रियर में आपको टोर्जन बीम एक्सल दिया गया है। डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे डायमेंशंस न्यू ब्रेजा 2022 का, चेकआउट कीजिएगा। रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें, LXi वेरिएंट का रियर प्रोफाइल चेकआउट कीजिएगा, और सबसे ऊपर आपको दिया गया है साफिन एंटीना। जी हाँ दोस्तों, इंटीग्रेटेड स्पॉयलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है। डिफॉगर और रियर वाइपर आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, और बहुत ही शानदार LED टेल लैम्प यूनिट स्टैंडर्ड दिया गया है इसमें, ब्रेजा की ब्रांडिंग और बीच में सुजुकी का लोगो, और नंबर प्लेट की जगह दिया गया है ड्यूल टोन आपको रियर बम्पर मिलता है, और ये एजेंट एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं, कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है रियर पार्ट ऑफ LXi वेरिएंट।
ड्यूल टोन रियर बम्पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ स्किड प्लेट आपको यहाँ पे सिल्वर गार्निशिंग में दिया गया है, जो कि एज एन एसेसरी के तौर पे आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। दोनों रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। चलिए दोस्तों इंटीरियर की बात कर लेते हैं। सेंटर लॉकिंग आपको इसमें मिल जाता है। ओपन कर लेते हैं इसके फ्रंट डोर को, और इसमें आप देख पा रहे हो पावर विंडो के कंट्रोल, ओआरवीएम के कंट्रोल और लॉक अनलॉक का बटन, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल, कुछ टेक्चर यहाँ पे मिल जाते हैं। एलेक्सा वेरिएंट में जो वुडन टेक्चर है यहाँ पे, ये एज एन एसेसरी का पार्ट है। और यहाँ पे आपको 1 लीटर का बोटा होल्डर, थोड़ी सी जगह, और स्पीकर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ट्विटर का ऑप्शन दिया गया है। और एक बार डैशबोर्ड लेआउट की बात करें तो आप यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा बेस वेरिएंट का डैशबोर्ड लेआउट, और सिंगल टोन में आपको प्रोवाइड किया गया है। आप चाहो तो यहाँ पे एज एन एसेसरी के तौर पे काफ़ी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है। और यहाँ पे वुडन फिनिश आप यहाँ पे करवा सकते हैं कुछ इस तरह का। टोटल 62,000 या 63,000 का आपका कॉस्टिंग पड़ जाएगा टोटली यहाँ पे मॉडिफिकेशन का। और इसके अलावा यहाँ पे लेदर अपहोल्स्ट्री एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवाया गया है, और यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। एलेक्साई वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरह का। स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड दिया गया है आपको कुछ इस तरह का। यहाँ पे हिल असिस्ट, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, हेडलैम्प लेबलर, डेड पेडल प्रोवाइड किया गया है। और सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं दिया गया, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। 2 कप होल्डर प्रोवाइड किया गया है। क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया गया है, और मोबाइल वगैरह रखने की जगह, 12 वोल्ट का चार्जर, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है, एसी वेंट जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और सेंटर कंसोल में आप यहाँ पे देख पा रहे हो एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करा सकते हैं आप इंफोटेनमेंट सिस्टम। और यहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है सोनी का 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि मिरर लिंक के साथ आता है। और यहाँ पे एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को सपोर्ट करने वाला है, और कपलर टू कपलर यहाँ पे फिटिंग होने वाला है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और ये फ्रेम में आ जाता है कुछ इस तरह का यहाँ पे, और कपलर टू कपलर फिटिंग। 25,000 का कॉस्टिंग यहाँ पे इस इंफोटेनमेंट सिस्टम का पड़ जाता है दोस्तों, और इसमें स्पीकर इंक्लूड नहीं है, उसके भी कॉस्टिंग अलग से होगा दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड आरपीएम मीटर, बीच में एमआईडी दिया गया है। ड्राइव असिस्ट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड किया गया है। इसमें आपको टेलीस्कोपिक नहीं दिया गया है, और इसमें कोई भी कंट्रोल आपको नहीं मिलते हैं। फ्लैट बॉटम टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड किया गया है, बीच में सुजुकी का लोगो। इसमें 2 एयरबैग आपको प्रोवाइड किया गया है। लेफ्ट साइड से भी ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे फुल मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे पूरा ग्लोब बॉक्स वगैरह खुला पड़ा हुआ है, और यहाँ पे डैशबोर्ड लेआउट भी यहाँ पे वुडन फिनिश किया जा रहा है कुछ इस तरह का। आपको यहाँ पे एलेक्सा वेरिएंट का डैशबोर्ड लेआउट देखने को मिलता है, और यहाँ पे को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर प्रोवाइड नहीं किया गया है। साथ में ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है। सेंटर में कैबिन लाइट प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एलेक्सा वेरिएंट में यहाँ पे सनग्लास होल्डर वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। एलेक्सा वेरिएंट में रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें, ओपन कर लेते हैं इसके रियर डोर, और यहाँ पे भी आप एज एन एसएसए के तौर पे वुडन फिनिश करवा सकते हैं। कुछ टेक्चर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ग्रैब हैंडल, पावर विंडो के कंट्रोल, इसके साथ ही यहाँ पे 1 लीटर का बोटो होल्डर, स्पीकर के लिए यहाँ पे जगह दी गई है, और यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। बीच में आर्मरेस्ट इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं। काफ़ी अच्छी खासी लेग रूम प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट दिया गया है, जो कि एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट आप चेकआउट कीजिएगा कुछ इस तरह का। यहाँ पे एलेक्सा वेरिएंट का डैशबोर्ड लेआउट, ओआरवीएम आपको यहाँ पे डे नाइट प्रोवाइड किया गया है। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो 328 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। एलेक्सा वेरिएंट में रियर सीट जो है फ्लैट फोल्ड आता है। यहाँ पे 60-40 का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे स्प्लिट कर सकते हैं।
और इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। और यहाँ पे आपको बूट लैम्प का ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और ग्रोसरी हुक जरूर दिया गया है। और स्पेयर व्हील की अगर हम बात करें तो 250/60 R16 का ही दिया गया, जो कि एक प्लस पॉइंट है दोस्तों, स्टील व्हील में दिया गया है। और यहाँ पे टूल किट रखने की जगह दिया गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरह का बूट स्पेस। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो BS6 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर K15C ड्यूजेट स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया गया है। 102 bsp की पावर 6000 rpm पे एंड 137 nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 4400 rpm पे। ट्रांसमिशन 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। कंपनी क्लेम करते हैं 19.89 kmpl की माइलेज। काफी रिफाइंड इंजन है और NBS लेवल भी काफी कम किया गया है दोस्तों, और साथ ही माइलेज बढ़ा दिया गया है। सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो न्यू ब्रेजा 2022 एलेक्साई वेरिएंट में अवेलेबल कराया गया है ड्यूल एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, सेंट्रल लॉकिंग, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, डे नाइट IRBM, प्रिटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, हिल असिस्ट, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, डोर अजर वार्निंग जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये थी दोस्तों न्यू ब्रेजा 2020 विद एसेसरीज। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।